अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम बायो का एक्सपेरिमेंट नंबर 32 परफॉर्म करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 32 में हमने पार्ट डी परफॉर्म करना है, जिसमें हम पोटैटो के स्टेम ट्यूबर को डिस्कस करेंगे। स्टेम ट्यूबर प्लांट का एक पार्ट होता है, एक स्टेम होता है जो कि जमीन के अंदर पाया जाता है और इसमें फूड स्टोर होता है और ये एक नए प्लांट में चेंज हो सकता है। सो आज हम पोटैटो के स्टेम ट्यूबर को डिस्कस करेंगे। सो आज के एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उनमें शामिल है पोटैटो और हैंड लेंथ। तो ये हमारे पास पोटैटो है। पोटैटो के सरफेस पे, पोटैटो के स्टेम ट्यूबर के सरफेस पे आपको स्मॉल बर्ड्स दिखाई देंगी, छोटी छोटी बर्ड्स दिखाई देंगी जिनको हम आई कहेंगे। ये आई बर्ड जो है ये ग्रो करती है और ग्रो करके ये शूट में चेंज होती है और हम इसी वजह से इसको जर्मिनेटिंग आई बर्ड कहेंगे। जब ये आई बर्ड जो है वो ग्रो कर जाएगी, आई बर्ड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती है और शूट में चेंज होती है और फिर वो शूट आगे फर्दर रूट्स बनाती है और ये जमीन के अंदर जो है ये प्रोसेस हो रहा होता है। पोटैटो की कल्टीवेशन जमीन के अंदर इस तरीके से होती है। जमीन के अंदर हम उस पोटैटो को बोते हैं जिसमें जिसके सरफेस पे स्मॉल आई बर्ड्स जो हैं वो मौजूद हो, क्योंकि ये स्मॉल आई बर्ड्स जो हैं ये ग्रो करेंगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ये शूट में चेंज होगी और फिर नई रूट्स बनेंगी और इस तरीके से प्लांट ग्रो करेगा।